दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद शुक्ला और मैं MSc हॉर्टिकल्चर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से हूं और मेरी खुद की PC नर्सरी है, जिसके तहत आज जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के अलग अलग जर्मप्लाज्म सीड्स और अलग अलग पौधों को कलेक्ट करने के लिए मैं हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहा हूँ, जिसमें आज मैं आया हूँ सीधी से आगे रीवा घूमते समय एक गुड़ जगह पड़ती है, वहाँ महसाओं गाँव है। जो महसाओं गांव है, यहाँ जो पान की खेती है परंपरागत तरीके, काफ़ी वर्षों से इस क्षेत्र में खेती होती आ रही है। तो जो पान के किसान हैं, आज मैं आया हूँ, एक महाबली चौरसिया जी हैं जो पान की बहुत अच्छी खेती करते हैं, तो उनके बारे में आज हम जानेंगे कि पान की खेती कैसे करते हैं और पान की खेती में क्या क्या समस्याएँ आ रही हैं। तो स्वागत है आपका आज हमारे इस चैनल में। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, आप लोग पान की खेती जैसे करते रहे, तो जो लॉकडाउन चल रहा था इसमें आपको कितना घाटा हुआ? चल गया मान ले के 2 रुपया से बिक रहा है, पूरा घाटा है, बताइए चिंता। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप 100 पत्ती बेचते हैं पान की, तो कितना रुपया आपको मिलता है? 2 रुपये। ये पान 100 पत्तियां जब पान की बेचते हैं, उनको 2 रुपये मिलता है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि मार्केट में जब हम लोग पान खाने जाते हैं, 5 से 10 रुपये में एक पान खाने को मिलता है, एक पान खाने को मिलता है। यहाँ 100 पत्ती 2 रुपये में इस टाइम पे जा रही है मार्केट में। अच्छा ये बताइए, आप लोग खेती जब कर रहे थे, पहले आपको किसानी में पान खेती में पहले आपको फ़ायदा था कि नहीं था? पहले रहा फ़ायदा, यहाँ नहीं आ फायदा एक। जब ये बोल रहे हैं कि पिछले साल इनको फ़ायदा था लेकिन अब पान में फ़ायदा नहीं है। अच्छा, यहाँ के जो उद्यान विस्तार अधिकारी हैं, जो उद्यानिकी का पूरा काम देखते हैं, तो उद्यान विस्तार अधिकारी कभी आपके यहाँ आए आज तक? नहीं आए। तो दादाजी का कहना है कि जो रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर जो होते हैं, REHO जिनको कहते हैं, जो भी महसाओं क्षेत्र के हैं, वो कभी इस क्षेत्र में घूमने अभी तक आए नहीं हैं। किसान, ये भी एक प्रकार की समस्या है, तो किसानों के लिए सरकार को एक कुछ न कुछ योजना बनानी चाहिए। जो बीटल बोर्ड है उनको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, आप कौन कौन से किस्म के पान लगाते हैं थोड़ा बताएंगे आप क्या? हाँ, बगला। ये कौन सी पत्ती है? ये तो कटक है। ये कटक किस्म बता रहे हैं? ये कटक किस्म है जो इसको उगाते हैं। और कौन सी? बगला है ये वाली। हाँ। ये जो पत्ती आप देख रहे हैं इसको बंगला पत्ती बोलते हैं। और कौन सा? देशवारी भी पान। देशवारी के लिए। सबसे अंतिम में जो दिख रहा है वो? हाँ, देशवारी। देशवारी थोड़ा ज्यादा कालापन लेकर के। हाँ, देशवारी। ये देशवारी किस्म है जो इशारा मैं कर रहा हूँ इधर, ये देशवारी किस्म है इधर। तो अपना जो रीवा क्षेत्र महसाओं गाँव रहा है, ये बहुत बड़ा जैव विविधता का केंद्र रहा है पान की खेती के लिए। और रीवा महाराजा को भी पान यहीं से जाया करता था, रीवा महाराजा को पान यहीं से जाया करता था। तो मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप इन किसानों का संज्ञान लें और इनके लिए कुछ न कुछ नई योजनाएं बनाई जाएं, और भारत सरकार के जो बीटल बोर्ड है वो भी इस पर ध्यान दें। तो ये कहानी हमारे महाबली चौरसिया जी की केवल नहीं है, ये इस क्षेत्र के 7 गाँव हैं। कौन कौन से गाँव में यहाँ खेती होती है पान की? मासाओं है, खजुहा है, गुर्गी है, आप लीची पटौका, 7 गाँव है। 7 गाँव है जहाँ खेती होती है। तो इस क्षेत्र के किसान सभी यही समस्याएं कर रहे हैं, क्योंकि जो पान खेती में जो ऊपर का स्ट्रक्चर जो बनता है, ये इसको बरेज कहा जाता है हम लोगों की लैंग्वेज में, बरेज। अब इसमें ज़्यादातर सब बांसी बांस लगता है। बांस और बांस का एक जो पेड़ है वो 200 से 250 रुपये का पड़ता है। अच्छा, पहले समय में क्या होता था, सबकी मेड़ खेत में मेड़ होती थी, सबके यहाँ बांस होता था। सरकार देख रहा था, सरकार सुविधा देती थी आपको? पहले देख रहा, कांग्रेस के समय में। हाँ, इनका कहना है जब कांग्रेस की सरकार थी, किसके दौर, कौन मुख्यमंत्री था उस टाइम पे? वो मुख्यमंत्री रहा है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय, इनका कहना है कांग्रेस का समय है, दिग्विजय सिंह का समय था। तो जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, इनका कहना है कि बांस की सप्लाई ये किसानों को करते थे उस टाइम पे जो पान खेती करते थे, तो ये बोल रहे इतनी लागत उनको नहीं आती थी, लेकिन इस समय में इनको बहुत ज़्यादा लागत आ रही है। शिवराज सिंह सरकार जो इस समय पे है, उनसे आग्रह करेंगे कि पान के किसानों के लिए कोई ना कोई आप रूपरेखा तैयार करें और इस पर काम किया जाए। तो महाबली जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने पान के खेत में हमें घुमाए, और हम आशा करते हैं कि ये समस्याएँ जल्द से जल्द ख़त्म हों। और जो भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो लोग पान के लिए, जो महसाओं गांव है, महाबली चौरसिया का फार्म है, तो बहुत सस्ते रेट में बहुत उच्च गुणवत्ता के ऑर्गेनिक जैविक पान जो है आपको यहां से आप खरीद के ले जाएं। आप, मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मैं आपको बता दूंगा आपको, तो यहां आप पान आके खरीदें उच्च क्वालिटी के पान के। हम लोग खाए भी हैं इनके यहां का पान।
तो आप पान ले जाएं, सीधी के, रीवा के, सतना के, इलाहाबाद के जो भी लोग हैं आप यहाँ से पान ले जाएं, आपका स्वागत है इनके फॉर्म में, ऐसा इनका कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।